मैं जयदेव सिंह वानखेड़े स्टेडियम से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज सुबह भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। इमरान खान तैयार बॉलिंग करने के लिए। श्रीकांत भारत का सबसे रंगीन क्रिकेटर है इमरान की गेंद को फेस करने के लिए। अब ये श्रीकांत तैयार इमरान की बॉलिंग को फेस करने के लिए। इमरान की गेंद और श्रीकांत ने उसे कट कर दिया और एक रन के लिए भागे और जल्दी से उन्होंने दूसरा रन भी ले लिया। अब इमरान तैयार है दूसरी गेंद फेंकने के लिए गरवारे एंड से और श्रीकांत ने उसे कट कर दिया, एक रन ले लिया और दूसरे रन के लिए भागे। अब इमरान की अगली गेंद और ये भारत का पहला विकेट गिरा। श्रीकांत उसे हुक करना चाहते थे और वे आउट हो गए। लालाजी आपका इस विकेट के बारे में क्या विचार है? बकवास है। आप आ रहे हैं खेलने के लिए भारत का नया सितारा सचिन तेंदुलकर। अब इमरान तैयार अपनी गेंद सचिन तेंदुलकर को फेंकने के लिए और उन्होंने कट किया और एक रन के लिए भागे और यूनुस अगर के हाथ से गेंद छूट गई और दूसरे रन के लिए भागे और दूसरा रन के लिए। पहला ओवर समाप्त हुआ। अब दूसरा ओवर शुरू करेंगे पेविलियन एंड से दिलीप वेंगसरकर को और उसने गेंद को छोड़ दिया खेलने के लिए। लाला जी भागो। ए साला लोग, तुमको कितने टाइम बोला कि ये खेल का मैदान नहीं है, इधर मत खेलो। अब ये कब का पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? बॉल के बच्चे, चल भाग यहाँ से। अगर इस बंगले के पास नजर भी आया तो सबकी टांगे तोड़ दूंगा, चल भाग। अरे क्या यार, अगर मैं पिताजी को मालूम पड़ गया कि मेरी बॉल घूम गई तो मुझे इतना मारेंगे कि मेरे सर पे क्रिकेट की पिच नजर आएंगी। क्या मांगो बेटा, दे देंगे। चार घंटी तो बजा, मैं मांगता हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं पुलिस को फोन करता। एक्सक्यूज मी, जब बच्चे सॉरी बोल रहे हैं तो बॉल दे दीजिए ना। अच्छा तो तुम भी साथ में हो, तुम जैसे गुंडे ही इन बच्चों को आवारा बना रहे हैं। जब बच्चे सॉरी बोल रहे हैं तो बॉल दे दीजिए ना। नहीं दूंगा। क्या कर लेगा तू, मेरा खून कर देगा जैसे अपने बाप का कहता तू? देखिए प्लीज, ऐसी बात मत कीजिए। कहूंगा, हजार बार कहूंगा। तू तेरे बाप का कातिल है और तेरी मां वैश्या थी। मुझे 2000 रुपए चाहिए। क्यों, फिर किसी कमरे का डिपॉजिट देना है क्या? कमाल है पाशा, साल भर में आपने 3 कमरे बदल दी। जानता हूं पाशा, कसूर दुनिया को है और सजा आपको मिल रही है। ये लीजिए 2000 रुपए, मगर एक शर्त पर। वादा कीजिए जब कभी जिंदगी ने मुस्कुराने का मौका दिया आप मुस्कुराएंगे जरूर। गाड़ी है बाप? अरे गाड़ी को छोड़, गाड़ी वाली को देख। हाय क्या चीज है, आंखों से करंट मारती है। किसी टाटा बिरला के औलाद मालूम पड़ती है। करेक्ट करेक्ट। अरे
बालाजी जी, जब कभी जिंदगी ने मुस्कुराने का मौका दिया, आप मुस्कुराएंगे जरूर। मुझे भी देना। मत दो। क्या चाहिए आपको? एक INL एंडी, एक AIRMAIL, एक MONEYORDRFORM, STAMPS। क्या कहा आपने? एक इनलैंड, एक एयरमेल, एक मनी ऑर्डर फॉर्म और स्टैम्प्स। हाँ तो ऐसा बोलो ना। कैसा बेवकूफ बना। उसे तो कंफ्यूज कर दिया। अरे इसमें लाल इंक है, लाल इंक से मनी ऑर्डर नहीं लिख सकते। क्या बात करती है, इसमें ब्लू इंक है। लाल ब्लू इंक है। अरे लाल ब्लू इंक है। छोटा मोर बड़ी बात, चुप, इसमें ब्लू इंक है। लाल सुपर पावर रिन, सफेदी की चमकार ज्यादा, धुलाई का भंडार ज्यादा। साथ में नहीं है ये तो और भी अच्छा है। ये रही आपकी दो टिकटें। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपको सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या चाहिए? एग्जाम्स में एक कामयाबी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, एक सुंदर पत्नी चाहिए या अच्छे बच्चे चाहिए? बोलिए ना, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ और आप जो चाहेंगे वो जरूर मिलेगा। अरे बोलिए ना, शर्माइए मत, बोलिए आपको क्या चाहिए? ये दो टिकटों के पैसे चाहिए बस। सॉरी, वेरी स्मार्ट, आप बहुत तरक्की करेंगे। शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, कीप द चेंज। यू कीप द चेंज। थैंक यू अगेन। वेलकम। बाय।
एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ है। एडवर्टाइजमेंट? ओह माय गॉड, क्या जमाना आ गया है। पहले सिनेमा के लिए एडवर्टाइजमेंट चलता था, अब एडवर्टाइजमेंट के लिए सिनेमा चलता है। बेटा सुना है कि बेटा सुना है इस फिल्म का सस्पेंस बहुत भयंकर है। कौन किसका खून करता है पता ही नहीं चलता। और महमूद जो है ना, आप चुप बैठ के पिक्चर देखिए। अब देखना सब लोग पैलेस के अंदर आएंगे। अभी नदर चीखने वाली। क्यों? डरो मत, टेबल पे लाश नहीं, महमूद सोया हुआ है, अब भी उठेगा। देखा मैंने कहा ना। अब देखना भूत की हंसी सुनाई देगी। केस में भूत है? अरे नहीं यार, महमूद एक पागल छोकरे को छुपा के रखा है, वही हंसती गाती रहती है। ये क्या, आप चुपचाप बैठ के पिक्चर नहीं देख सकती? अंकल, अंकल पॉपकॉर्न। जी। पहले पिक्चर का सस्पेंस खोल दिया है, पागल लड़कियां। डरना मत, ये खूनी के पैरों की आवाज है। अब फांसी का फंदा आएगा। अब हेलन का खून होने वाला है। एए, सुबह सुबह अकेली अकेली आइसक्रीम खा रही हो, मेरी याद नहीं आई? विटामिन ए खूबसूरत आंखों के लिए, विटामिन बी स्फूर्ति के लिए, विटामिन सी सर्दी जुकाम से बचने के लिए, विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए, विटामिन ई सुंदर त्वचा के लिए। अरे तुम माँ बेटी दोनों पागल हो गई हो क्या? उसको डिक्टेटर बनने का शौक है, तुमको डॉक्टर बनने का शौक है। अरे अपना इलाज खुद करना बंद कर दो। तुम्हें इतनी सारी दवाइयां खाते हुए देखकर मेरे पेट में कुछ होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द, गैस, खट्टी दकर, गले में की चीज। हाँ ये लीजिए टैबलेट, गले से होती दर्द गायब, कीमत सिर्फ 2 रुपये। शट अप, इतनी फालतू दवाइयां खाकर अपने आप को रोग लगा बैठी तो जिंदगी भर पछताओगे। जॉन आ गई मुसीबत। आया डार्लिंग, आया। लिजी अंडे लेती आना। यस मॉम। मैगी कहाँ है? ये लड़की हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए लेट होती है। मम्मी मैं लेट नहीं आती, आप जल्दी आ जाती हैं। शट अप, चुपचाप बैठो। मम्मी भूख नहीं है। देखो मैगी, भूख हो या ना हो ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। भूख नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा। अब मुझे इसके लिए एक और गोली लेनी पड़ेगी। ये कौन सी गोली है? भूख लगने के लिए। अच्छा तो हजम करने के लिए तुम्हें एक और गोली खानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो फिर ब्रेकफास्ट क्यों, गोली खा लो। गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग पापा। आप भी हमेशा बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट के लिए लेट होते हैं। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैगी, तुम अपने मैनर्स भूल रही हो, खाने के पहले प्रे नहीं करोगी? सॉरी मम्मी। मेरा देश आजाद हो चुका है मगर मेरा घर अभी तक गुलाम है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, न खा सकता है, न पी सकता है, न रो सकता है, न सो सकता है। यहाँ हर काम मम्मी के हुक्म से होता है। ओह गॉड, हमें इस ग्रेट डिक्टेटर से बचा लो। आमीन। गॉड, मैगी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। तू ही हम सबको इस हिटलर से बचा सकता है। आमीन। भैया एक भेलपुरी देना, मीठा चाहिए या तीखा? तीखा। आ बहन जी आ। अरे भैया थोड़ा सेब डालना, 2-3 पापड़ी, थोड़ा कांदा, थोड़ा बटाटा और हाँ करी भी डालना। ऐसा बोला ना कि भेलपुरी चाहिए। हाँ वही वही। अरे भैया बहन जल्दी खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये लीजिए। भैया कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे।
बहन कुछ दे दो। एक रुपया दिया ना, हम दोनों एक ही साथ हैं। सुखी रहो, कुछ पैसे दे दो। अरे इन फटे कपड़ों में तो तेरी आधी जवानी झांक रही है, तभी तो तुझे भीख मांगना पड़ रहा है। जब तेरी माँ तुझे दूध पिलाता उतारी नंगी हुई थी तभी तूने यही कहा था। अबे ओ चिकने, ये तेरी माँ लगती है क्या? हर मजबूर औरत मेरी माँ लगती है, याद रखना। लगता है सारी वैश्या इसकी माँ है। मजबूर औरत मेरी माँ लगती है, याद रखना। ओह जीसस, अगर तुमने मेरी लाइफ में कोई मर्द लिखा है तो वो औरत की इज्जत करने वाला होना चाहिए, जैसे कि ये है।
गजरीबन नजरे के गजरम पर मैं चले जाना। We are for each other. Yeah. पूछा मैं तुम्हें देखकर क्यों चला जाता था? पिछले 3 दिन से मैं यही पूछ रही थी, अपने आप से भी और आईने से भी, मगर सही जवाब नहीं मिला। मैं तुमसे दूर इसलिए चला जाता था क्योंकि जिंदगी में जो भी मेरे करीब आया है मुझसे छीन लिया गया। मुझे अकेला छोड़कर
मेरी जिंदगी से इतना दूर चले गया कि रास्ते में उसके पैरों के निशान भी नहीं मिले। इसलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा था। मरने के खौफ से कोई जीना छोड़ देता है क्या? इस डर से कि कोई तुमसे दूर न चला जाए, तुम किस किस को अपने पास आने से रोकोगे? कब तक इस भरी दुनिया में अकेले जीना चाहोगे? हाँ, 10 साल की उम्र से बस इसी तरह जी रहा हूं। कभी किसी का साथ नहीं रहा सिवाय 3 चीजों के, मेरे गीत, मेरी तन्हाई और मेरी बदनामी। बदनामी? 10 साल की उम्र में मैंने अपने बाप का खून किया था। मुझे अपने किए पर कोई दुख नहीं है, दुनिया वाले जो भी कहे, मगर मैंने कोई पाप नहीं किया। वो एक पाप को रोकने की कोशिश थी, एक नेक काम था जो मैंने अपनी मां के लिए किया। वो पापी मेरा बाप जरूर था, मगर एक बुरा बाप था और उससे ही बुरा पति। मेरी भोली भाली मां को आखिर तक ही भरोसा था कि पूजा पाठ करने से भगवान खुश होगा और मेरे बाप को एक शरीफ इंसान बनाएगा, एक अच्छा बाप और एक प्यारा पति। इसलिए वो दिन रात पूजा करती थी। एक दिन उसने सत्यनारायण की पूजा रखी और मेरे बाप को बुलाने के लिए गई, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा बिना पति की नहीं होती ना। वो एक आवारा औरत की बाहों में झूम रहा था। मां ने देखा मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आज सत्यनारायण की पूजा है, टाइम मिले तो जरा सी देर के लिए घर आ जाना। मगर उसने मेरे सामने मेरी मां को गाली दी और उसे धक्के घर से बाहर निकाल दिया। उस जलील ने मेरी मां को बदनाम किया। उसने सबके सामने चीख चीख के कहा कि मेरी मां बच्चलन है, उसका संबंध दूसरे मर्दों के साथ है। मां से इतनी बड़ी गाली बर्दाश्त नहीं हुई, उसने हमेशा की तरह मुझे लोरी सुनाई और एक राक्षस का खून किया, मगर दुनिया ने मुझे ही राक्षस बना दिया, अपने बाप का खून करने वाला एक भयानक मुजरिम। मेरी बदनामी की छाया बहुत लंबी है मैगी। मैं ये नहीं चाहता कि यह छाया तुम्हें भी अपने लपेटे में ले ले। मुझसे दूर चली जाओ, भाग जाओ, इतनी दूर कि अगर मैं तुम्हें पुकारूं भी तो भी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई ना दे। मरने के खौफ से कोई जीना छोड़ देता है क्या? इस डर से कि कोई तुमसे दूर न चला जाए, तुम किस किस को अपने पास आने से रोकोगे? कब तक इस भरी दुनिया में अकेले जीना चाहोगे? हाँ?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए चर्च में प्रे कर रही थी। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। ओह गॉड, इसे माफ कर देना। ये नहीं जानता कि ये क्या नहीं जानता। मैं नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ मैगी। ये कब्रें, इसमें लेटे हुए मुर्दे जो कभी जिंदा इंसान थे, आज सिर्फ एक नाम बन के रह गए। यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ जो हम खुद को बहलाने के लिए कहते हैं। फिर भड़क गए। क्या तुम बदल नहीं सकते? मेरे लिए भी नहीं। तुम चाहती कि मैं बदल जाऊं? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम कभी किसी के सामने झुको। मेरे सामने भी नहीं। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी खुददारी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पृथ्वी, 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 पृथ्वी! अजीब फालतू आदमी है तू। मैं तुझे पूरा शहर ढूंढ मारा और तू है कि क्या सारे बगीचे बंद हो गए थे जो तू इस कब्रिस्तान में घूम रहा है? अच्छा देख, तुझे ना गुरुजी ने बुलाया है। तो मुझे सिखाने के लिए राजी हो गए? अरे बिल्कुल, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया है। मैंने उनके सीधे सर पे पैर रखा। पैर पे सर रखा और फिर वे खुश हो गए और बोले ले आओ उसे। तो चलिए। बाय द वे, दिस इज माय वन एंड ओनली फ्रेंड। हेलो। और मैं गर्लफ्रेंड। चले, चलना यार, जल्दी कर, जल्दी। मैं भी आया। मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं यही इंतजार करूंगी। See you. अरे 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 धीरे चल, अबे मरवाएगा क्या? धीरे चल। मैं इंतजार करूंगी। यार गुरुजी मुझे आज ही सिखाएंगे क्या? पता नहीं। हाँ, मूड अगर गुरुजी का अच्छा हुआ तो हो सकता है यार गुरुजी तुझे एक ही दिन में बहुत बड़ा संगीतकार ही बना दे। तो मैं अपना गिटार ले लूं? हाँ हाँ, ले ले ले। ये है पृथ्वी। अच्छा हुआ तुम आ गए, खुश हुआ मैं। हैं? पियो। हाँ, सलूट। जी मुझे आदत नहीं है। सलूट की या पीने की? दोनों की। हो जाएगी, हर चीज की आदत हो जाएगी। देखो हम और तुम जो है ना, हमारे हाथ में सिवाय रेखाओं के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब वो ऊपर वाले के हाथ में। वो दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार है, सबसे बड़ा। गुरुजी, याद है आपने पृथ्वी को संगीत सीखने के लिए बुलाया था? देखो इरशाद, गुरु कालीचरण के साथ मिल लेना संगीत सीखने के बराबर है। अब चल जाओ, जाओ जनक ने मना। जय हिंद। माफ कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? आप जब तक कुछ सिखाएंगे नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कम से कम सरगम ही सिखा दीजिए गुरुजी। ठीक है, सिखाता हूं। मगर इसलिए नहीं कि तुम जिद कर रहे हो, और नहीं इसलिए कि तुम कह रहे हो शायद। इसलिए सिखा रहा हूं कि तुम्हारा नाम पृथ्वी है ना। पृथ्वी, इस नाम के पीछे एक कहानी है, 20 साल पुरानी कहानी। मेरी और प्रभा की कहानी। हम लोगों ने सोचा था कि जब हमारे प्यार का सपना साकार होगा तो हम लोग उसका नाम पृथ्वी रखेंगे। मगर वो प्यार का सपना साकार हुआ नहीं, टूट गया।
तुम आया करो, रोज आया करो। तुम्हारा नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे 20 साल से जिंदगी पर पड़ी हुई धूल को शीतल जल ने धो दिया। बोलिए साहब, क्या चाहिए आपको? 2 मिनट में फटाफट क्या मिलेगा? फटाफट सिर्फ मैगी नूडल्स मिलेगा। आप मैगी लेके आओ। मैगी? इंतजार करने के लिए। सॉरी, वो तो मैं भूल ही गया था। बात भूले, मुझे तो नहीं भूले ना। चले, ऐसी तूफानी रात, ये वीरान कब्रिस्तान, तुम अकेली, तुम्हें डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? ये कब्रें, इनमें लेटे हुए मुर्दे, जो कभी इंसान थे, आज सिर्फ एक नाम बन के रह गए। यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ, जो हम खुद को बहलाने के लिए कहते हैं। चलो। क्या हुआ, कोई आ गया था क्या? हाँ, सूरज
मेरे कमरे में आ गया है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए तीन शब्दों ने मेरे दिल के अंदर उजाले भर दिए। हर तरफ रोशनी, हर चीज जगमगा रही है। पृथ्वी, एक बार फिर से बोलो ना। I love you.
भी करना इंतजार। मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इन बड़े होटलों के डाइनिंग हॉल में इतना अंधेरा क्यों होता है? अंधेरा इसलिए होता है कि तुम जैसे खूबसूरत लड़की को नजर ना लगे। थैंक यू। वेलकम। और अगर कीड़े मकोड़े प्लेट से पेट में चला जाए तो? अच्छा भले रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया। तुम ही क्या बड़बड़ाती रहती हो? कुछ नहीं, खुद को बुरा भला कह रही हूं। क्यों? जब तुम सामने रहते हो कुछ और दिखाई नहीं देता, इसलिए अपने आप को डांटती हूं। सिंगर बन जाओ, इतने बड़े कि मुझे भी तुमसे मिलने के लिए क्यू में खड़ा होना पड़े। वो दिन जरूर आएगा, मैं बहुत जल्द बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, लेकिन तुम क्यू में नहीं, मेरे साथ खड़ी रहोगी और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा। अरे साहब, ये सब क्या है? ये टेबल है, ये ग्लास है, ये कैंडल है, ये लड़की और ये लड़का, और ये टेबल क्लॉथ पर प्यार है। प्यार? यस। इसकी कीमत बिल में लगा देना। ओह नो सर, आप परवाह मत कीजिए, टेबल क्लॉथ तो धुल जाएगा। अगर आपने प्यार किया होता तो आपको पता चलता कि प्यार करने वालों के लिए प्यार की निशानी धोने के लिए नहीं, चूमने, सर पर रखने और दिल से लगाने के लिए होती है, समझे? That's right। हाँ। ये मैं ले लूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे ऑटोग्राफ के बाद। पापा, प्लीज आप मम्मी से कहिए ना कि वुमेन्स काउंसिल के प्रोग्राम में पृथ्वी को गाने का चांस दे। पापा, पापा प्लीज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे उस हिटलर को समझाना खाने का काम नहीं है। अगर तुम्हारे मम्मी को कोई पटा सकता है, समझा सकता है, तो वो है वन एंड द ओनली जॉन एफ पिंटो। आपने सही कहा पापा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बहादुर हैं, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम्हारे उस क्या नाम है उसका? पृथ्वी। पृथ्वी, आर यू मिस्टर पृथ्वी? यस सर। मेरा नाम पिंटो है, जॉन पिंटो, और ये मेरी बेटी मैगी। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कितनी खुशी हुई ये तो बाद में पता चलेगा। मैगी, तुम कैसेट देखो, मैं जरा पृथ्वी से बात करता हूँ। तुम मैगी को कब से जानते हो? बहुत बहुत दिनों से सर।
मैगी से प्यार करते हो? यस। क्यों? प्यार करने के लिए कोई रीजन नहीं होता सर। मैगी, मैगी से शादी करोगे? नहीं। हाँ? नहीं करूंगा सर। मगर मैगी तो कहती है कि तुम किसी और से लव करते हो। मैगी कहती है सर? यस। टेल मी द ट्रूथ, ये दूसरा कौन है? सर अगर मैगी के अलावा मैं किसी को चाहता हूं तो वो है म्यूजिक सर। एग्जैक्टली। तुम म्यूजिक को कितना चाहते हो? म्यूजिक को? यस। मैगी से ज्यादा सर। I'm sorry सर, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता सर। सर मेरे गीत ही मेरी आत्मा है, संगीत ही मेरे जीने का कारण, मेरे दिल के धड़कन में भी मुझे सर कम सुनाई देता है। संगीत की वजह से ही मैं इस दुकान में काम करता हूं। जब भी मैं यहां होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे बड़े से बड़े कलाकार मेरे साथ हैं, मेरे सामने खड़े हुए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं सर। मैं समझता हूं यंग मैन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं। तुम्हें फन है मगर चांस नहीं। कोई बात नहीं, अपनी म्यूजिक को, संगीत की आग जो तुम्हारे सीने में चल रही है उसे बुझने नहीं देना। तुम्हें चांस जरूर मिलेगा। चलो मैगी। थैंक यू सर। मैगी। हाय पापा। तो तुम मुझसे ज्यादा संगीत से लव करते हो? नहीं मैगी, मैगी। संगीत तुम्हारी धड़कन है, आत्मा है। ठीक है, आज 4 बजे फोन करना, तब बता दूं मैं कौन हूं। मैगी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। फोन मत करना, खुद आना, आमने सामने बात होगी। स्टेला, ये क्या है? नाइट गाउन। मेरे लिए? ऑफ कोर्स। आर यू ऑल राइट? यू बेट। थैंक यू। पापा, बी ब्रेव। आई एम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, गो गो। शादी की पहली रात याद आ गई? आए। इतनी सेवा जरूर कोई बात है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ पापा, तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए? पहले ये साड़ी छोड़ो। हाँ? औरत को और सारी को संभालना बहुत मुश्किल काम है। नहीं हंसो मत। नहीं बोली ना। स्टेला एक लड़का है, पृथ्वी, पृथ्वी उसका नाम है, बहुत अच्छा गाता है। गीत, गीत उसकी आत्मा है, संगीत उसके जीवन का कारण है। उसको अपने दिल की धड़कनों में भी संगीत सुनाई देता है। ये लो देखो, तुम्हारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक म्यूजिकल प्रोग्राम होने वाला है, तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उसमें आएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ वो लड़का, उस लड़के को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। यस। तुमने क्या सोचा?
कि बेडरूम में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा? नहीं, बेडरूम में तुम मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारो तो कौन देखेगा? तो मैं बात पक्की समझू? स्टेला, तुम हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती है, सच्ची। राजू रेडी है ना? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। और जरा नादे जरा ठीक से बजाना, ठीक है? ओके। हाय हैंडसम। हाँ। ऑल द बेस्ट। मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक स्टेज होगा, ऐसा ही एक बैनर होगा, मगर उस पर इससे भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा पृथ्वी नाइट। वो जब होगा तब होगा, मगर अभी क्या होगा? 6 बजे का टाइम था, 6:30 बज गए, प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? मैं अभी जाकर मम्मी से पूछती हूँ, ठीक है? ओके। मिस्टर साहब आ रहे, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए। जय हिंद। हेलो अंकल। शुरू करो। अरे वॉलंटियर जरा यहाँ आइए। यस सर। देखिए वो हमारा बॉडीगार्ड और ड्राइवर है ना, उनको जरा नाश्ता वास्ता खिलवा दीजिए। ओके जल्दी जाओ। मिसेस पिंटो आप यहाँ आइए ना। यही ठीक है। अच्छा ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं कि आपका जो वुमन काउंसिल है ना, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हम सोचता है कि हाई कमांड के आगे आपकी बहुत तारीफ करेगा। थैंक यू। कहे आपके जैसे लोगों को तो पार्टी में होना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। भारतीय भाषा में जी धन्यवाद। और रात को पार्टी वाली का इंतजाम है ना? जी हाँ है। अरे भाई रोशनलाल जी। जी। अरे भाई कैसे हैं आप? कृपा है आपकी। अरे भाई बहुत दिनों से आप मिले नहीं। भाई आपसे तो मिलना दुभर हो गया है। क्या बात कर रहे हैं जी आप? आपसे तो मिलना मुश्किल हो गया है। अच्छा हुआ आप मिल गए, हम आपको फोन करवाना ही वाला था। जी वो क्या हुआ कि आपको वो साले साहब है ना, उनका वो टेंडर है ना, वो आप पास कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपके सामने वो गीत पेश करूंगा जिस पर हर हिंदुस्तानी गर्व करता है। 1 2 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल भितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गावे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू मिसेस बिंटो। ये क्या है जी है? ये सारी जनता के सामने आपने हमारी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया है। आप अपने समझती क्या है? हम हाई कमांड के आगे आपकी शिकायत करेंगे, समझिए आप। हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं।
कंग्रेचुलेशंस, क्या परफॉर्म किया आपने, वाह कमाल है। तुम भी ऐसी बात करोगे क्या? जो कुछ उसने किया सब ठीक किया? नहीं नहीं, जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था, मगर जो कुछ तुमने किया वो बिल्कुल ठीक था। मैगी, उस नेता के बच्चे ने मेरी म्यूजिक की इंसल्ट की, एंड आई कांट टॉलरेट दैट। ओह रियली? मैगी, उसने मुझे 2 घंटे वेट कराया और फिर साला बकबक करने लगा। तुम कौन से किशोर कुमार हो, 2 घंटे वेट किया तो कौन सी मुसीबत आ गई? 10 साल जिस जांच के लिए तुम रुके हुए थे, 1-2 घंटे और भी रुक सकते थे। मैगी, अगर तुम भी उसकी तरफदारी करोगी तो मैं क्या बोलूं? तुम बोल भी क्या सकते हो? ठीक है, जो जी में आए सोच लेना, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। गलती ना तुमने की, ना मिनिस्टर ने की, गलती मेरे मम्मी ने की, मेरे डैडी ने की, जिन्होंने तुम्हें इतने बड़े प्रोग्राम में चांस दिलवाया। मैगी मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक किया? हाँ ठीक किया। ठीक है, तुम अपनी बात पर ही जमे रहो, मैं जा रही हूँ। तो जाओ, मगर एक बात सुनती जाना, मुझसे कोई भी गलत बात नहीं बनवा सकता। तुम भी एक बात सुन लो, आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, फोन भी मत करना, मेरी तरफ देखना भी नहीं। गुड बाय। मैगी, मैगी, मैगी। तुम जैसे बुद्धू आदमी की वजह से मैं उल्लू बन गई। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है वो मर्डरर है, उसने अपने बाप का खून किया और सारा बचपन जेल में काट कर आया है, और उसकी माँ एक वैश्या थी। मर्डरर, स्काउंड्रल, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसका ऐसा हशर करूं कि जिंदगी भर याद रखे। मैडम ऑटो चाहिए? नहीं चाहिए। गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ।
मैगी मुझसे भूल हो गई, मैंने ज्यादती की, लेकिन तुम मेरे किए की सजा अपने प्रेम को क्यों दे रही हो? प्रेम हमारा बच्चा है, बेचारा प्रेम रात भर माँ माँ कह के तड़पता रहा, रो रो के तुम्हें याद कर रहा था। मैगी तुम कहो तो मैं सबके सामने कान पकड़ के तौबा करूंगा कि मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, लेकिन मेरे साथ चलो, तुम्हारे बिना मेरा प्रेम कैसा जिंदा रहेगा? आप लोगी कहिए ना। घर चली जा बेटी, पति माफी मांग रहा है। मान जा बेटी, अपने लिए नहीं तो अपने मासूम के लिए चली जा। जा बेटी जा, घर चली जा, नाराज मत हो। अपने बच्चे की खातिर चली जा बेटी। ये झूठ बोल रहा है, मेरा कोई बच्चा बच्चा नहीं है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। क्या शादी भी नहीं हुई, बच्चा भी नहीं हुआ? कह दो के 2 महीने पहले हमारा प्रेम पैदा नहीं हुआ था। बोलो बोलो, कहो कि हमारा प्रेम है ही नहीं। बैठो बैठो, जल्दी बैठो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे प्रेम को बचा लिया। फोन करो तो घर पर नहीं, घर जाओ तो बाहर गई, बस स्टॉप पे देखा तो ऑटो रिक्शा में बैठ के चली गई। तुम इतना भाव की खाती हो? मैंने फैसला कर लिया था कि कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अच्छा, मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक दिन भी ना देखूं तो दिन का रात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? पता नहीं। खुद को बदल दो पृथ्वी, कंट्रोल करो। भगवान न करे कभी हमें ऐसा लगे कि हमने प्यार नहीं एक भूल की हो। प्लीज पृथ्वी, तुम इतना गुस्सा मत हुआ करो। मैगी, मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की मगर नहीं कर सका। जब भी मैं कोई जुल्म कोई नाइंसाफी देखता हूं, मेरा अंदर का लावा फटने लगता है। आई जस्ट डोंट टेक इट। गुस्सा कंट्रोल करने की तरकीब बताओ। क्या फर्स्ट एड डायरी में कोई टैबलेट है क्या? बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपना ध्यान कहीं और लगा दो और किसी और के बारे में सोचने लगो। फिर 1 से 10 तक गिनो, गुस्सा गायब, टिंग टोंग। मगर किसके बारे में सोचूं? तुम्हारे बारे में, गांधी जी के बारे में या महात्मा बुद्ध के बारे में? अपने बाप के बारे में जिसका तुमने खून किया था। आओगे और तुम्हारी मम्मी से सॉरी बोलूंगा। That's like a very good boy. मम्मी, पृथ्वी आया है। यंग मैन, तुम्हें शेर के पिंजरे में काय को घुसाया? सर, मैं सॉरी बोलने को आया हूँ। सॉरी बोलने को आया, वेरी गुड वेरी गुड। एक बात बोले, तुमने उस दिन जिस तरीके से जनगण मन गाया ना, शायद कोई गा सकता। थैंक यू सर। कम डार्लिंग, पृथ्वी माफी मांगने को है। उस दिन प्रोग्राम में जो हुआ उस पर सॉरी बोलने को है। ऐसे जलील इंसान की हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम्हारे जगह अगर कोई शरीफ इंसान होता तो मेरी इंसल्ट होने से पहले ही मर गया होता। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खून की है।
जिसके रगों में एक दारूबाज बाप और वैश्य माँ का खून दौड़ रहा हो, वो कर भी क्या सकता है, है ना? दोबारा इस घर के दरवाजे के अंदर पैर रखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। आज से गेट आउट। को ये बताने आए हो कि मंत्र काम करने लगा है? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो क्या होता? चोर समझ कर पकड़ लेता, दो चार हाथ मारता, चार पांच गालियां बकता, लेकिन मैं एक से दस तक गिनकर अपने आप को कंट्रोल कर लेता, चुपचाप मार खा लेता। देखा मैं तुम्हारे प्यार में कितना बदल गया हूँ। तो मैगी, मैंने आपका हुक्म नहीं तोड़ा मैडम। आपने कहा था दरवाजे पे पैर मत रखना, मैंने नहीं रखा। मैं बालकनी से आया हूं क्योंकि मुझे आपको एक बात बताना बहुत जरूरी था कि मैं और आपकी बेटी में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा, अगर तुम मुझे सुबह ये सब बता देती तो ना तो ये हंगामा होता और ना मैं इस बेचारे को डांट कर घर से बाहर निकालती। I'm sorry my son, मुझे माफ कर दो। तुम लोग बैठो, मैं पृथ्वी के लिए कॉफी बना के लाती। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं बेटा, सुबह मैंने तुमको कुछ ऑफर नहीं किया, अब मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। बैठो बैठो। मम्मी थैंक यू सो मच। माय बेबी। मैगी, ये क्या हो रहा है? मैं सो रहा हूँ, ये सपना देख रहा हूँ। जरा चुटी तो काटना। जागा हूँ। लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गई? मिसेस पिंटो तो एकदम बदल गई। ये उसका कमाल है जिसे तुम नहीं मानते, गॉड का। मैंने आज शाम को चर्च जाकर प्रे किया था। अरे वाह, व्हाट अ पावरफुल प्रेयर। मिसेस पिंटो तो बिल्कुल ही बदल गई। और ऐसे ही रहे। यस 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 यस।
बैठो मम्मी। थैंक यू। अरे बैठो बैठो बैठो। हम दोनों एक जैसे हैं, तुम भी इमोशनल हो, मैं भी इमोशनल हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है पृथ्वी, लेकिन एक बात की खुशी है कि तुम मेरी मैगी को सच्चा प्यार करते हो, और प्यार तो गॉड गिफ्ट है ना मैगी? हाँ मम्मी, थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी चाइल्ड। कोई आया है? अरे बैठो बैठो, जो भी आया है उसे मैंने ही बुलाया है, मैंने ही तो नीचे जाके फोन किया था। डैडी को बुलाया है क्या? मगर डैडी तो घर में ही है और उन्हें सब कुछ मालूम है। मुझे भी सब कुछ मालूम है। मैगी, लगता है मम्मी ने तुम्हारे फादर को नहीं, चर्च के फादर को बुलाया है हमारी शादी कराने के लिए। नहीं बेटा नहीं, मैंने पुलिस को बुलाया है। आइए इंस्पेक्टर, यही वो गुंडा है जो बालकनी से कमरे में घुसकर मेरी बेटी को रेप करना चाहता था। ये झूठ बोलती है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालकनी से जरूर आया था, मगर मैं मैगी से प्यार करता हूँ और मैगी भी मुझसे प्यार करती है, मैं भला इसकी सब कैसे लूट सकता। शट अप। आधी रात को किसी के घर के अंदर बालकनी के रास्ते आने का जुर्म जानते हो? लेकिन सर मैं मैगी से प्यार करता हूँ। प्यार किसी के घर में घुसने का लाइसेंस नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मम्मी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मीठी मीठी बातें करके पृथ्वी को धोखा दिया और अब पुलिस आ जाए। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। सर, सर, सर उसे छोड़ दीजिए, प्लीज सर उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। डैडी कुछ कीजिए ना। मैगी चलाओ उनको। मैगी डोंट गो, डोंट गो मम्मी। मैगी, वो उस जेल में रहेगा और तुम इस जेल में। पांडू और रेप वाली फाइल दो जल्दी। 202 नंबर को बाहर निकाल दो साहब। अब भी नहीं थे क्या? ये गरीब गायक आपके दरबार में आ सकता है? सुराग साहब, बाप रे बाप, दिल्ली उस्ताद जी, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? अरे तुम तो ढसल गए, यूं ही फिसल गए। कैसे हो भाई? एक बात बताओ, सितार पे चलने वाली उंगलियां डंडे पे कैसे चल रही हैं? प्रयास व्यास हो रहा है कि नहीं? उस्ताद जी, जो आपने मुझे सिखाया वही गाता रहता हूँ। अरे चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। जिस काम की आते वो तो कीजिए। भाई दिवे उस्ताद जी, आपका कोई काम, कोई सेवा? वो ऐसा है कि मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। हुकुम। एक बात बताइए कि किसी को जमानत दे के जेल से बाहर निकालना आसान है या कोई जुर्म करके जेल के अंदर बंद हो जाना ज्यादा आसान? ये आप क्या पूछ रहे हैं उस्ताद जी? तुमने मेरे शिष्य पृथ्वी को अंदर बंद कर रखा है, या तो उसे बाहर निकालो या मुझे भी अंदर बंद कर दो। आपको क्यों? मैं अंदर फिट नहीं होगा क्या? जगह छोटी, आदमी बड़ा है क्या? असल में बात यह है उस्ताद जी कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा बदमाश है, रेप का चार्ज है उस पर। तो फिर एक काम कर दो, एक चार्ज हम पर भी लगा दो, हम पर ये चार्ज लगा के अंदर बंद कर दो कि हम पुलिस थाने के अंदर जबरदस्ती घुसाए, आते साथ तुम्हारा फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया, तुम्हारी मूछ उखाड़ दी। लेकिन तुम ये चार्ज हम पर नहीं लगाओगे कभी, क्योंकि तुम हमको जानते हो, तुम पृथ्वी को नहीं जानते हो, पृथ्वी को सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं। आपका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी? 100% झूठ बोल रही है, और वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो पृथ्वी से नफरत करती है। इसलिए नफरत करती है कि पृथ्वी उसकी बेटी से मोहब्बत करता है। अब जैसे उस औरत का पृथ्वी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना लाजमी था, वैसे ही एक आशिक का अपनी माशूका को मिलने के लिए दीवार पार के जाना लाजमी था। इसमें जुर्म क्या है बताइए? गॉड, अच्छा वो आपने मुझे बतलाया, वरना मुझे दो सच्चे प्यार करने वालों का श्राप लग जाता। आप जरा चलते चलते इन कानूनी कागजात पर साइन कर दीजिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। पांडू 202
नहीं मैं खुद ही जाऊंगा, कभी अलविदा ना कहना। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला। तुम्हारी शादी मैगी के साथ हो जाए, ठीक है ना? ये ले, सवाल मैं ले लेता हूं। बड़े आराम से हो सकती, कोई मुश्किल काम नहीं। कोई जाके लड़की वालों को बता दे कि तुम्हारे में कितने अच्छे गुण हैं, तुम्हारा चाल चलन कितना अच्छा है। बताओ, कोई मना करेगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें बताएगा कौन, तो जवाब ही मिलता है हम किस दिन काम आएंगे। हम चले जाएंगे, हम जाके उनसे बात कर लेंगे। लड़की के बाप का नाम बताओ। जॉन पिंटो। जॉन पिंटो, अरे जॉन पिंटो या जॉन केनेडी, हम चले जाएंगे, उससे बात करेंगे, वो हंसेगा, फंसेगा। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अब देखो, तुम भी खुश हो जाओ। हाँ, एक बात याद रखना बेटे, तुम अकेले नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, आज के दिन तो कुछ और बोल दिया होता। हाँ यस सर, आपका हांगकांग से आगे जाने का पूरा बंदोबस्त हमारी एजेंसी ने कर दिया है सर। थैंक यू मिस्टर। हाँ हाँ, डोंट वरी सर, डोंट वरी।
मिस्टर पिंटो, मेरी वापसी का टिकट का क्या हुआ? से वापसी जी वो ऑटो रिक्शा से चले जाइए या तो ट्रेन से, प्लेन से, साइकिल 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 से। ईरान में भूकंप आ गया है। अर्थक्वेक? कहाँ आ गया? जी मेरे सामने भी खड़ा है भूकंप। आप हेलो रख दो, फोन रख दो। हेलो 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 मिस्टर पिंटो। फॉलो मी फॉलो मी। अजी आप उठ के क्यों खड़े हो गए? बैठी बैठी बैठी, कोई तकलीफ नहीं, नो फॉर्मेलिटी, बैठ जाइए बैठ जाइए। आप उठ जाइए तो बैठ जाइए। अच्छा अच्छा आप बैठ जाइए, जब तक आप नहीं बैठेंगे ये कैसे बैठेंगे? बैठ जाइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ मेरे पास बैठिए। अरे आओ भाई आओ। हाँ 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 बात ऐसी है कि आ आ क्या मैं के साहब, वाह 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 भाई, ये वाकई लिप्टन की है ना। वैसे मुझे चाय पीने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं साहब। ये चाय भी कोई पीने की चीज़ है साहब, मगर क्या कभी मैं जरा एकदम पी लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। लेकिन देखिए अब मैं काम की बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैगी और पृथ्वी प्यार करते हैं एक दूसरे को, और दूसरी बात ये है कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, और तीसरी बात ये है कि चाय जैसी लाजवाब चीज दुनिया में नहीं बनी आज तक। नहीं तीसरी बात ये है कि मैं पृथ्वी का रिश्ता लेके आया हूं। पृथ्वी का मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं, और मेरा इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं। देखिए प्यार करना कोई पाप नहीं। आपने भी कभी प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी, मोहब्बत में ड्यूएट्स गाए होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी कोई दिल। ये पृथ्वी ये पृथ्वी ये मैगी से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस पहले ये बताइए आप हैं कौन? जो सबसे पहले बताने वाली चीज थी वो मैं सबसे पहले भूल गया। मैं अभी आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो क्या है, मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम नहीं किए, क्या क्या काम करने वाला हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है। सूरज की किरण बादल पान पराग पान मसाला पान पराग पान मसाला बने वाले सामने आ। मैं विजिटिंग कार्ड लाना भूल गया, सॉरी। खड़े हो जाइए, राष्ट्रगीत होगा। मैं कहती हूँ खड़े हो जाइए। निकल जाओ इस घर से, इससे पहले कि नौकरों को बुलवाकर उठवाकर बाहर फिकवा दूं। जलील बेशरम दारूबाज, तुम इस खूनी इस गुंडे का रिश्ता लेकर आए हो? तुमने समझ क्या रखा है? तुमने तुमने इस घर को क्या समझ रखा है? निकल जाओ मैं कहती हूँ निकल जाओ, वरना जूते मार मार के बाहर फिकवा दूंगी। तुम जैसे गुरु और चेले तो जेल में होने चाहिए, लगता है ऐसे नहीं जाओगे। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सॉरी सर, मेरे वजह से आपको गाली सुननी पड़ी। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों दिल छोटा करते हो? देखो दुनिया का उसूल है,
होश में रहने वाला शराबी को बुरा भला बोलता है और शराबी होश में रहने वाले को पैसा दे हो साथ ले। एकदम फालतू औरत है। ये क्यों फालतू का एक्स्ट्रा सुर लगाता है तू? ये रिलेटिव मायने है क्या? गुरुजी, प्रीत के गीत में बोल कौन देखता है, सुर सही होना चाहिए। सुर I'm so sorry.
ड्राइवर दीजिए मैडम। क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुपचाप बैठी रहो। गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। मुंह से एक भी आवाज निकली तो मैं गाड़ी पेड़ से टकरा दूंगा। चुपचाप बैठी रहो। जानवरों के सिवा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अब मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं, एक एक करके तुम्हारे नाखून निकाल सकता हूं, तुम्हारे तलवों में सुई घुसेर सकता हूं, चाकू से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ सकता हूं। पृथ्वी तुम हद से ज्यादा। तुमने मुझे गाली दी, झूठे इल्जाम में मुझे लॉकअप में बंद करवाया, माफी मांगने आया तो मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, लेकिन मैं इसका बदला नहीं लूंगा क्योंकि तुम मैगी की मां हो। लेकिन तुमने गुरुजी की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया, मैं उनकी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। शहरिया से 20 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी बेटे आराम से टहलती हुई चली आना। पृथ्वी बेटा ये पर्स मुझे दे दो, बोझ लाद कर चलना मुश्किल होगा। पृथ्वी सुनो तो, चीखना नहीं, जानवर सुन लेंगे। बाय बाय। और मैडम को उठाकर ले गया। उठाकर ले गया, ठीक है तुम जाओ। जूली, जूली आई मैडम, एक 20 रुपए दो। जी जॉन, मैं तुमसे कह रही हूँ 20 रुपए दो। मुझे नहीं, उसे ऑटो वाले को दे दो। अच्छा डार्लिंग, ये वही 20 रुपए हैं जो सुबह तुमने मुझे जेब खर्च के लिए दिए थे। अच्छा मैंने खर्च नहीं किए इसलिए अभी तुम्हारे काम आ गए। आराम से बैठकर पेपर पढ़ रहे हो, ये नहीं होता कि बीवी का हाल पूछ लो। मैंने 20 रुपए क्यों मांगे, ऑटो रिक्शा में क्यों आई, इस सब की तुम्हें कोई फिक्र नहीं? नहीं भाई, मैंने तुम्हारे मामले में कभी टांग अड़ाई है? पता है उस गुंडे ने आज क्या किया? बदमाश मुझे बोरीवली के जंगल में ले गया। तुम्हें? हाँ, और मेरी गाड़ी लेकर भी भाग गया। 3 घंटे चली हूँ तब जाके ऑटो मिली। भाई कमाल लड़का है, कमाल लड़का है। यानी जो बात हम सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे वो उसने कर दिखाई। और ये है तुम्हारी बेटी के सो-कॉल्ड मोहब्बत का नतीजा। नो स्टेला, नो, ये सब तुम्हारी नफरत का नतीजा है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मगर तुम उनके दिलों से प्यार को खींच कर निकाल देना चाहते हो। जैसे वो कोई प्यार नहीं हुआ
तुम्हारा पेड़ पौधा हो गया जिसे तुमने पकड़ा और जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया। कब तक उन्हें मिलने से रोक सकोगी तुम? कब तक मैगी को अपने कमरे में बंद रखोगी तुम? याद रखो स्टेला, प्यार जब बगावत पर उतर आता है ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। क्या कोई नहीं रोक सकता? मैं रोकूंगी उसे। प्यार, मोहब्बत, लव, ये सब आंसुओं के जरिए तेरे दिल से निकाल दूंगी। यू बदतमीज जी। बस थक गई डाले, बस हो गया। तुमने देखा डार्लिंग, तुमने इसे इतना मारा, लेकिन इसके मुंह से एक लफ्ज और आंख से एक बूंद भी नहीं गिरी। ये ताकत, ये पावर इस कमजोर लड़की में नहीं है, इसके प्रेम में, लव में है। एंड लव इज गॉड, प्रेम सच्चाई है। इस सच्चाई को आज तक न कोई मार सका है और न कोई मार सकेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज इनफ इज इनफ। आज के बाद तुमने मेरी बेटी पर कभी हाथ उठाया अच्छा नहीं होगा। माइंड वेल। सीधे पार्क में आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगी। ओके ओके। कॉलेज जा रही हो मैगी? आओ मैं छोड़ देती हूँ। चलो ड्राइवर। मैगी, 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 मैगी रुक जाओ, मैगी, मैगी रुक जाओ। किसका नाम है?
मेरा नाम है। अच्छा नाम है। दीवार पर लिखा हुआ नाम मिटा सकती हो, जरा इसे मिटा कर दिखाओ। बदतमीज। मम्मी, मम्मी, मैगी, मैं पूछा, ये क्या है? पृथ्वी का दिया हुआ गिफ्ट है। ओह, ये चिथड़ा? प्यार में दिया हुआ चिथड़ा भी बहुत कीमती होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस मवाली ने तुम्हें ये चिथड़ा दिया है, तो फिर इसे जलाकर सुरमा बना देना चाहिए। मम्मी, मैं अपने आप को जला लूंगी। मैगी, अरे इरशाद, तुम यहाँ?
असली आशिक तो तुम्हारा शिव मंदिर में इंतजार कर रहा है। जाइए जाइए। मैगी कहाँ जा रही हो? आई मम्मी। अंधा बाबा हेल्प। अबे ए तेरी तो भिखारी समझा क्या? तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे ना, तब घड़ी टूटकर गिर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नई घड़ी लाई। मैं बांधूंगी। कैसा है? अच्छा। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या लाए? Ha ha ha!
कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। राइट मैगी, मेरी घड़ी तो बन गई, मगर अब मैं तुम्हें ये क्रॉस कैसे पहनाऊंगा? चलो मेरे साथ। या पोरा या काय पाइजे तुम असली? माई ये काला धागा कितने का? तेरे लिए फुकट। फुकट? हाँ। इसका मतलब तुम पैसे नहीं लोगी? नहीं, जब भगवान ने तुम दोनों को प्यार फुकट दे दिया तो मैं ये काला धागा फुकट नहीं दे सकती। मैं कब से देख रही हूँ तुम दोनों में प्यार, लई लई प्यार है तुम दोनों में। लो बेटा लो। थैंक यू माई। हम लोगों में और एक क्रॉस तुम लोगों में पवित्र समझा जाता है, लेकिन तुम अपने गुरूर में किसी चीज की इज्जत नहीं करती। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारा गुरूर तोड़ देंगे। हम शादी करने जा रहे हैं, कर लेना जो करना है। कम ऑन मैगी। चलो पृथ्वी। गुड बाय मिसेस स्टेला पिंटो। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। पृथ्वी हाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफिस, शादी करने। सचमुच? सचमुच। हाउ एक्साइटिंग। मगर आज शादी कैसे करेंगे? क्यों? आज क्रिसमस है और कल इतवार, दो दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद रहेगा। तो फिर हम किसी होटल के कमरे में हनीमून की रिहर्सल करेंगे।
करती हो आंटी, वो अपनी कजन है, अपुन उसका पूरा ध्यान रखेगा। मगर पैसा कुछ जास्ती होता तो अच्छा होता, साथ में दूसरे लोग भी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो इतनी और रख लो। और सुनो, एक काम करना, कल उसे बजाज के बंगले से लेकर खंडाला ले जाना। ओके, किसी को पता ना चले। ओके, ध्यान से जाना। डोंट वरी आंटी। बजाज
बजाज बंगलो। नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी मैगी से मिलना है। पहले मुझसे मिलना, फिर मैगी से। देख, मुझे झगड़ा नहीं करना है। अच्छा चलो, अब छोड़ दिया तेरे को। जल्दी चलो यार। जख्म बहुत गहरा है, काफी अंतड़ियां कट चुकी हैं। हमने स्टिचेस तो लगा दिए हैं लेकिन खून रुकी नहीं ना। अरे जोश खाया हुआ जवान खून है, इतनी आसानी से थोड़ी रुकेगा। खून बंद करना बहुत जरूरी है लेकिन कोई दवा असर ही नहीं कर रही। नहीं नहीं, मगर डॉक्टर साहब मैगी पर तो हर दवा बहुत जल्दी असर करती है। मैं समझा देंगे डॉक्टर साहब, मैगी को खुद पर तजुर्बा करने का शौक है। वो जिस नई दवाई का एडवर्टाइजमेंट देखती है उसे जरूर खाती है। उसके पास है ना एक फर्स्ट एड डायरी है। हाँ, उसके अंदर है ना हर बीमारी की दवाई मौजूद रहती है। That's it. This can also be one of the reasons. बिना सोचे समझे इतनी दवाइयां खाने से बॉडी इम्यून हो गई है, इसीलिए शरीर में कोई दवा असर ही नहीं कर रही। फिर भी एक्सक्यूज मी, मैगी
कैसी है वो? स्टेला, हमारी मैगी की हालत बहुत खराब हो गई है। ये है उसके रिपोर्ट्स, एक्सरेज, ईसीजी, ब्लड टेस्ट। डॉक्टर ने हर तरह की जांच की है, कितने इंजेक्शंस, कितनी दवाइयां, पर मैगी की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। हमारी मैगी मम्मी आएगी ना? हाँ मैगी। मम्मी अपनी वसूलों से बहुत कड़क है, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मम्मी, मैगी, मैगी, मम्मी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची, ना क्वीन, मेरी प्रिंसेस जिंदा रहे हजारों साल। क्या लग रही है देखो, क्या लग रही है देखो, किसी ने सही सुर सही वक्त लगा दिया देखो। कितना प्यारा चेहरा है इसका देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा था ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कुछ नहीं हो सकता। आंखों में आंसू, दाढ़ी बड़ी हुई, किस बात का मातम करो तुम? चलो कॉम्पिटिशन में जाना है कि नहीं जाना? चलो मैं नहीं जाऊंगा। सुना तुमने पृथ्वी? मंजिल का तुम्हें बरसों से इंतजार था, वो तुम्हारे सामने है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। नहीं, नहीं पृथ्वी, नहीं, जाओ पृथ्वी। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता मैगी। मैं दूर कहाँ होगी, मैं तो तुम्हारे सामने होगी और तुम भी मेरे सामने होगे। यहाँ मैं तुम्हें वहां देखूंगी, तुम्हारा गाना सुनूंगी और जोर जोर से तालियां बजाऊंगी। जाओ ना प्लीज मेरे लिए, इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज पृथ्वी, तुम्हें मेरी कसम।
मेरी प्रियतमा
भाइयों और बहनों, इस फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के विजेता है पृथ्वी। की बात मत करो, अभी तो हमारा जीवन शुरू भी नहीं हुआ है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी पृथ्वी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे। मैगी, 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 सांस मैगी, सांस मैगी, 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 चार्ज, 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 ओके, चार्ज, ओके, चार्ज, ओके, चार्ज, चार्ज, ओके, चार्ज, ओके, चार्ज, 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 ओके, नो पल्स। एक बार फिर से ट्राई कीजिए डॉक्टर। आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं। एक बार फिर से ट्राई कीजिए डॉक्टर। ओके। मैगी, वापस आ जाओ मैगी, मैं तुम्हारे लिए भगवान पर विश्वास करने लग जाऊंगा। मैगी, कम बैक, वापस आ जाओ मैगी, 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 कम ऑन मैगी, कम ऑन। तुम चाहते थे कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँ ना, तुम वापस आ जाओ मैगी, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मैगी, मैगी, सुनो मैगी, आई लव यू, आई लव यू मैगी, आई लव यू। हमें छोड़ के मत जाना। सुनो पृथ्वी, अब कोई फायदा नहीं है, मैगी मर चुकी है, शी इज नो मोर। मम्मी, मेरी बात सुन मैगी,
और एक फैसला कर लो, या तो तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैगी, मेरी मैगी, वापस आ जा, वापस आ जा मैगी, हमें छोड़ के मत जा मैगी, हमें छोड़ के मत जा। करना इंतजार।